मैंने बताया, परिवर्तन को लेकर कहा, हमने अपनी सारी बातें कह दी, हमने अपने नेता से सारी बातें कह दी। राजनीतिक बातें भी हुई है, योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के बारे में सारी चर्चाएं हुई। और अंत में मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आए, और उन्हें शहर स्वीकार किया, अगले सप्ताह वो आए। छत्तीसगढ़ में चल रही सियासी उठापटक के बीच आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात की। लगभग 3.5 घंटे चली इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों ही मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद भूपेश बघेल ने ये साफ कर दिया है कि राजनीतिक मुद्दों से लेकर जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज थे उन सब पे आज चर्चा की है। उन्होंने अपनी जो बात है वो कांग्रेस आलाकमान के सामने रख दी है, और इसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा वो कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से ही लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को रायपुर आने के लिए भी निमंत्रण दिया है, और ऐसा भी माना जा सकता है कि अगले हफ्ते राहुल गांधी रायपुर का दौरा करें। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री बदला जा सकता है आगे आने वाले दिनों में, तो भूपेश बघेल का जवाब यही था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ही राहुल गांधी को ये निमंत्रण दिया है। इससे यही साबित होता है कि अभी ऐसा कहना मुश्किल होगा कि भूपेश बघेल को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लगभग 55 के करीब जो छत्तीसगढ़ के विधायक हैं वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही है भूपेश बघेल की तरफ से, एक संदेश दिया जा रहा है कांग्रेस के आलाकमान को कि अगर भूपेश बघेल को सीएम की पोस्ट से हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो भी थोड़ा डिस्टेबलाइज हो सकती है। अब आखिरी फैसला क्या होगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मैं नियामिका सिंह, दिल्ली से ETV भारत के लिए।